हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद पल्लवी। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत इंटरेस्टिंग सा होममेड एक स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने देखा, मैं खुद अपने फेस पे अप्लाई कर रही थी तो मैंने देखा मेरे फेस से बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आप लोग साथ भी शेयर करती हूँ, जिससे आप लोग को भी आप लोग के फेस पे यू नो एक प्यारा सा अच्छा सा ग्लो दिखे, पिंकिश सा ग्लो दिखे। तो मैं बात कर रही हूँ जो एशियन ट्रेडिशनल की जो अपने स्किन केयर रूटीन होता है उनका, जो ट्रेडिशनल स्किन केयर जो मतलब सालों से चलाते चले आ रहे हैं, क्योंकि इनकी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लो करती है, बहुत ही पिंकिश होती है, बहुत ही है ना यू नो कलर बहुत ही फेयर होता है। तो और ऑल द टाइम होता है, ऐसा नहीं होता कि वो मेकअप कर रहा है सिर्फ तभी उनका मेकअप के थ्रू ही उनका फेस ग्लो कर रहा है, उनका फेस नेचुरल ग्लो होता है। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या होता है उनके अंदर, उनकी स्किन के अंदर ऐसा वो क्या करते हैं। बहुत सारी रिसर्च की मैंने, तो मुझे पता चला कि राइस वाटर होता है। राइस वाटर अगर वो लोग अप्लाई कर रहे हैं अपने फेस पे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से उनके फेस पे यू नो एक ग्लो आता है और बहुत ज्यादा उनके फेस पिंकिश लगता है। तो अब राइस वाटर तो हमने नाम सुन लिया, बट हम उसको अप्लाई कैसे करें, कैसे हम उसको अपने फेस पे अप्लाई करें, कितनी देर तक अप्लाई करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि हर एक चीज का मेथड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते, ज्यादा बातें नहीं करते, स्टार्ट करते और देखते हैं कि आपको मैं बताती हूँ कि किस तरीके से राइस वाटर को अपने फेस पे अप्लाई करें जिससे हमारा फेस बहुत ही ग्लोइंग लगे, बहुत ही पिंकिश लगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपको अगर ये चैनल अच्छा लगता है तो आपको करना होगा लाइक, चैनल करना होगा वहां पे सब्सक्रिप्शन का बटन दिया होगा सब्सक्राइब का, वहां पे सब्सक्राइब करना होगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपने अगर ये कभी अप्लाई किया है तो आपको कैसा लगा, और अगर आपने अप्लाई मेरे कहने के बाद किया है तो आपको कैसे रिजल्ट देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको डेयर लेना है ये राइस, आप देख सकते हैं कि मैंने ये राइस लिया हुआ है बोल में, इस तरीके से ये राइस लेना है और इस राइस को बॉयल कर लेना है। तो मैं अभी क्लिप ऐड कर दूंगी किस तरीके से इसको बॉयल करना है। तो इसको बॉयल करने के बाद इस राइस का वाटर लेना है आपको, बस ये जो आप देख रहे हैं ये राइस, इस राइस का वाटर लेना है और कुछ भी नहीं करना है। तो मैंने राइस वाटर बनाया हुआ है, पहले से बना के रखा हुआ था, तो कुछ इस फॉर्म में आना चाहिए राइस वाटर, आप देख सकते हैं इस तरीके से व्हाइट कलर में आना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, आप ये राइस वाटर देख सकते हैं इस तरीके से व्हाइट कलर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको जो है क्या करना है, आपको एक कॉटन बॉल लेना है, इस तरीके से कॉटन पैड लेना है आपको, और इसको इसमें डिप कर लेना है। तो आप देख सकते होंगे कि मैंने इसमें इसको अच्छे तरीके से डिप कर लिया है। इसको अच्छे से डिप करने के बाद थोड़ा सा इसको पुश करके हटाना है पानी, उसके बाद आपको इस तरीके से अपने फेस पे लगाना है, अप्लाई करना है। तो इस राइस वाटर को अप्लाई करने के बाद जो है इस तरीके से अप्लाई करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये राइस वाटर अप्लाई करने से क्या होगा, तो डियर मैं आपको बता दूं कि ये जो राइस वाटर है इसमें जो है जो स्टार्च होते हैं, आपको पता होगा कि राइस अगर आप ओपन बॉयल करते तो उसमें स्टार्च निकलते होंगे, तो जो इसके स्टार्च होते हैं वो हमारी स्किन व्हाइटनिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो आपको अगर डेली दिन में एक बार अगर इस तरीके से आप अप्लाई कर लेंगे अपने फेस पे, अपने नेक पे, फिर इसको आपको डिप करना है, वापस इसको आपको थोड़ा सा निचोड़ना है, निचोड़ने के बाद वापस इसको लगाना है, तो आपकी स्किन ट्रस्ट में गाइस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और ये मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी और मुझे इसके रिजल्ट वाकई में देखने को मिले, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों नहीं मैं आपके साथ भी ट्राई करती हूँ और आपके साथ भी यू नो शेयर करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े राइस के छोटे छोटे दिख रहे हैं राइस आपको, तो अगर आ रहा है राइस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइस जरूरी नहीं है कि एकदम राइस को आपको निकालना है, पूरा नहीं निकालना है। और आप देख सकते हैं कि कितना प्रॉपर अभी मेरे फेस पे कितना अच्छा लग रहा है, कितना शाइनी लग रहा है। और इसको लगाने के बाद आपको ऐसे 10 से 15 मिनट तक ड्राई होने को छोड़ देना है, उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कर सकते हैं। तो डियर बता रही हूँ बहुत अच्छा ये है अपने स्किन व्हाइटनिंग के लिए। तो फ्रेंड्स देखा आपने किस तरीके से मैंने आपको बताया कि राइस वाटर फेस पे अप्लाई करने से कैसे आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो आता है, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ मेथड जिस तरीके से आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है, इसको आप कंटिन्यूस अप्लाई करेंगे तभी आपको फर्क पड़ेगा, पता चलेगा। अदरवाइज आप सोचो एक दिन करेंगे दूसरे दिन से आपका चेहरा एकदम ग्लो करने लगे, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। आपको कम से कम कुछ नहीं तो 1 मंथ तक इसको कंटिन्यू अप्लाई करना है और आप खुद देखेंगे आपके फेस पे बहुत ही प्यारा सा ग्लो दिखेगा, एक अच्छी सी फिनिश दिखेगी।
और आपके फेस बहुत ही शाइन करेगा। तो क्योंकि आपने देखा होगा कि एशियन के हेयर, एशियन के जो स्किन होती है वो कितनी ज़्यादा ग्लो करती है, हेयर कितने लंबे होते हैं। तो मेरे बाल भी थोड़े से बड़े हैं, इतने लंबे थे नहीं मेरे बाल, मैंने भी अप्लाई किया हुआ और इवन हर संडे को हर फ्राइडे को मैं अपने बाल को सिर्फ राइस वाटर से ही धोती हूँ। तो मैं एक दिन आपको करके बताऊंगी कैसे मैं राइस वाटर से अपने बालों को धोती हूँ। तो आज जो आपको आपने देखा ये स्किन केयर वाला, आप इसको जरूर अप्लाई करिएगा, आपको देखिए आपके फेस पर जरूर फर्क पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।